दोस्तों आज बनने जा रहा है बहुत ही टेस्टी पोटैटो चीज स्टिक। इन्हें आप कभी भी शाम को स्नैक्स के रूप में बनाकर खाया जा सकता है। किसी भी पार्टी में आप इसे बना सकते हैं या सभी को बहुत ही पसंद आएगा। सबसे पहले हम आलू को छीलकर, मैंने कच्चे आलू लिए हैं, इसको धुलकर इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। हम पोटैटो चीज स्टिक बनाएंगे। इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो यह बहुत ही टेस्टी बनता है। और जब पहले से आलू बॉयल करके लेते हैं तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। ऐसे एक बार ज़रूर आप बनाइएगा। एक पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे। अब जो हमने आलू काट के रखे हैं इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर 12 मिनट तक कुक करेंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से बहुत जल्दी कुक हो जाता है और सभी में बराबर नमक मिल जाता है। जब बाद में हम नमक डालते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता और मिलता भी नहीं है सही से। अब 12 मिनट हो गया है, अब आप देख रहे हैं, अब हम इसे चम्मच से चेक करेंगे। अब हमारा आलू बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब एक स्ट्रेनर में हम आलू निकाल लेंगे और इसका पानी अलग फेंक देंगे। चम्मच से दबाते हुए इस तरीके से हम छन्नी से सारे आलू निकाल लेंगे। आप इसे कद्दूकस से भी कस सकते हैं लेकिन बारीक होल से। बात का ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना हो, तब बहुत अच्छा पोटैटो फिंगर या पोटैटो स्टिक बनता है। और हम चीजी स्टिक बनाएंगे, इसके लिए इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम सारे आलू स्ट्रेनर में रखते हुए चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। स्ट्रेनर में चम्मच से दबाते हुए सारे आलू निकाल लेंगे और इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी और बहुत इजी तरीके से ये निकल आता है। इस तरीके से मैंने सारे आलू निकाल लिए हैं और चम्मच की सहायता से चारों तरफ निकाल लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि धनिया एकदम बारीक कटा हुआ होना चाहिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक चम्मच ग्रेटेड लहसुन, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा, आपको कितना तीखा पसंद है। 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप सूजी ले सकते हैं या चावल का आटा भी ले सकते हैं। हम इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने नमक तो पहले डाल दिया था इसलिए अब नमक नहीं डालेंगे। 100 ग्राम चीज़ लेंगे, इसे कद्दूकस कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें आपको पिज्ज़ा जैसे टेस्ट आएगा। पिज्ज़ा खाते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद है पिज्ज़ा, और बच्चों को तो चीज़ का फ्लेवर भी बहुत पसंद है। आप इसे बनाइएगा। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, एकदम अच्छा सा डो तैयार करेंगे। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हाथों से सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये बहुत अच्छे से डो बन गया है। अब हम बोर्ड पर थोड़ा सा आटा फैला देंगे कॉर्नफ्लोर का। आपके पास सूजी या चावल का आटा उसे फैला दीजिए। एक बड़ा सा डो लेंगे और बेलन की सहायता से बेल लेंगे। अब पिज्ज़ा कटर से इसको काट देंगे और चौकोर आकार देंगे। आप चाकू से भी काट सकते हैं। इसके किनारे वाला डो भी हम उसी डो में मिला देंगे। हमें इसको रोटी की तरह पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, तब पोटैटो स्टिक बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में और फ्राई करने में बहुत ईजी रहेगा। इस तरीके से हम अपने आप मनपसंद आकार में इस तरीके से कट कर लीजिए। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पैन में ऑयल गरम करेंगे। हमें इसके लिए तेल मीडियम हाई चाहिए और तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर तेल आपका गर्म नहीं रहेगा तो ये आयल में जाके बिखर जाएगा। एक एक करके डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और धीरे धीरे आप एक एक करके डालिएगा तो ये आपस में नहीं चिपकेंगे।
इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इन्हें तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी तरीके से हम सारे पोटैटो चिली फिंगर बनाकर तैयार करेंगे। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप इन्हें और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला दीजिएगा। ये गर्मा गर्म खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, यह बहुत ही टेस्टी बना है। आप इन्हें बनाइए, खाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।